वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास ही जाएगा। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक एम्पलीफायर स्टीरियो साउंड सिस्टम। तो ये दोस्तों बोल सकते हो टोटो स्टीरियो सिस्टम। तो क्योंकि टोटो जब ख़रीदता है टोटो के साथ ही ये वाला जो एम्पलीफायर सेट है ये लगा हुआ रहता है, तो ये चल नहीं रहा है, पूरा डेड है। तो इसको 12 वोल्ट का सप्लाई देके देखूंगा अभी क्या इसमें ख़राबी है, क्या ठीक हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए इसका जो पावर बटन है हमको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, हमको पता नहीं, इसको देख के ये शायद ऊपर वाला ये हो सकता है, नहीं ये तो नहीं है, दूसरा कोई होगा। तो दोस्तों इसका पावर बटन डालना पड़ेगा, लेकिन बहुत गर्म हो रहा है दोस्तों, ये बहुत गर्म हो गया दोस्तों, हाथ जल गया मेरा, ये बहुत गर्म है, पूरा गर्म हो गया, आग जैसा हो गया दोस्तों। तो मतलब इसमें कोई शॉर्ट हो गया दोस्तों इसी कारण, क्योंकि टोटो का जो है मतलब लगभग 100 एम्पियर का बैटरी होता है तो उसी से चलता है, इसीलिए इसका जो कंपोनेंट है ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। इसका डायोड जो है मैं चेक कर रहा हूँ, डायोड भी ख़राब हो सकता है, और ये वाला जो आईसी है ये देखिए ये वाला आईसी शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब लगभग 7 ओम्स के करीब दिखा रहा है। तो दोस्तों इसका जो आउटपुट वाला पिन है उसके साथ इसका ग्राउंड का शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों, देखिए जहाँ पे वो दो कैपेसिटर C7 C10 लगा हुआ है। इसका C11 जो है इनपुट है, इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट इन होता है, और जहाँ पे C7 C10 और दिखा रहा है दोस्तों वहीं पे इसका आउटपुट है, मतलब 5 वोल्ट आउट होता है। तो 5 वोल्ट आउट होके सीधा जो है इसका ऑडियो आईसी में भी जाता है और डिस्प्ले में भी जाता है दोस्तों, यूएसबी बोर्ड को जो चलाता है उसी का वोल्टेज है, तो इसीलिए पूरा डेड है। देखिए इसका इनपुट में से तो शॉर्ट नहीं है, लेकिन इसका जो आउटपुट है आउटपुट पिन के साथ शॉर्ट दिखा रहा है। तो हो सकता है आईसी ख़राब है, नहीं भी हो सकता है दोस्तों, इसका जो कंपोनेंट और भी लगा हुआ है मतलब C7 C10 जो कैपेसिटर है वो भी शॉर्ट हो सकता है, और आगे भी और एक कैपेसिटर हमको दिख रहा है वो भी शॉर्ट हो सकता है, और उस कैपेसिटर के बगल में और एक आईसी लगा हुआ है ऑडियो आईसी, मतलब जिसका स्पीकर का आउटपुट होता है वो वाला आईसी भी शॉर्ट हो सकता है दोस्तों। तो हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, इसको फिर से मैं नाप के दिखाता हूँ, देखिए ये वाला पिन। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला आईसी को पहले उठाएंगे जो रेगुलेटर आईसी है, तो ये ख़राब हो सकता है क्योंकि इसमें जो 12 वोल्ट इन होता है उसके कारण ये बहुत हीट होता है, उसको ड्रॉप करके 5 वोल्ट आउटपुट करता है, तो हो सकता है ये भी ख़राब है। तो उठाने के बाद ही हमको पता चलेगा, अभी तो नहीं हमको पता, क्योंकि मैं जो वीडियो करता हूँ दोस्तों वो पहले करके उसके बाद नहीं दिखाता हूँ, मैं जो भी प्रोडक्ट निकलता हूँ रिपेयर करने के लिए वो सीधा ही उसका वीडियो कर देता हूँ दोस्तों, संग संग उसका ही वीडियो होता है दोस्तों, हमको भी पता नहीं होता है वो उसमें क्या खराबी है। देखो और हम आप लोग के सामने ही खोलते, अगर होता है तो सही है, नहीं होता है तो नहीं नहीं होता है, लेकिन वो प्रोसेस सही होता है हम जैसे उसको रिपेयर करते, तो वो अगर देख लो तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। देखिए आईसी तो शॉर्ट अभी नहीं दिखा रहा है, मतलब दूसरा कहीं पे प्रॉब्लम है दोस्तों। और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, 100 से ऊपर वीडियो है दोस्तों, मतलब 115 से भी ज़्यादा है, तो आप उधर जाके भी देख सकते हो।
और मेरे वीडियो के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उधर भी आप क्लिक करके देख सकते हो, और मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा मेरा वीडियो का। तो चलिए इसका अभी शॉर्ट तो अभी भी दिख रहा है, तो देखिए इसमें हमको जो दिख रहा है, इसके बाद दूसरा और एक आईसी है उस साइड में, ऑडियो आईसी, तो उस साइड में भी शॉर्ट हो सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे दोस्तों। पहले तो रेगुलेटर आईसी को हमने उठा लिया है, अभी जो तीनों कैपेसिटर है लगा हुआ उसको हम उठाएंगे दोस्तों। कैपेसिटर को ब्लोअर से नहीं उठाएंगे, बोर्ड ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा ख़राब होने की चांस होगा, जल जाएगा, तो इसी कारण आयरन से जो काम होता है ब्लोअर की ज़रूरत नहीं होता है, हॉट एयर गन की ज़रूरत नहीं होता है। आप थोड़ा पेस्ट लगाओ, ज़्यादा रंगा लगाओ तो आसानी से देखो कैपेसिटर आ जाएगा खोल के। तो देखिए इस कैपेसिटर में भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन बोर्ड में अभी भी शॉर्ट है दोस्तों। तो और एक कैपेसिटर है बड़ा वाला, इसको भी हम उठा लेंगे दोस्तों, तो इसको भी चेक करेंगे, ये नहीं होगा तो फिर आईसी को भी उठाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये जो कैपेसिटर है हमको 7 ओम्स दिखा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस होता तो सही है, ओम्स दिखा सकता है, लेकिन कैपेसिटर में दोस्तों कभी भी ओम्स ऐसे नहीं दिखाएगा, वो ओम्स वैरी करता है, लेकिन इसमें 7 ओम्स दिखा रहा है दोस्तों। अभी देखिए बोर्ड में शॉर्ट भी नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं दोस्तों ये कैपेसिटर ही ख़राब है, क्योंकि कैपेसिटर में कभी भी कॉन्टिन्यूटी नहीं आना चाहिए, ये समझ लो। कोई भी कंपोनेंट हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी बोर्ड हो, कहीं पे भी मोबाइल हो या लैपटॉप हो, किसी चीज़ के अंदर कैपेसिटर शॉर्ट होने पे आपको कॉन्टिन्यूटी मिलेगा, और कई के भी कैपेसिटर आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी मिलना नहीं चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूटी मिलता है कई पे कैपेसिटर, तो वो कैपेसिटर ख़राब है। तो देखिए मैंने नया वाला कैपेसिटर ले लिया है, उसको हटा दिया है, तो नया वाला जो कैपेसिटर हम उसको लगाएंगे, तो वो हमको मिला कहाँ से, दूसरा किसी बोर्ड में आप लोग देखेंगे जो डैमेज बोर्ड होता है उससे आप लोगों को मिल जाएगा। ये मैंने कैपेसिटर उठा के रखा था जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है दोस्तों, जो पाटा वाला था ना पहले, तो उसी हार्ड डिस्क के पिछले हिस्से में वो बोर्ड जहाँ पे रहता है उधर बहुत सारा हमको कैपेसिटर मिल गया, जो उधर से उठा के मैंने रखा था, वो ख़राब हो गया था, तो वही अब काम में आ रहा है दोस्तों। और भी चीज़ है, जो डीवीडी का मदरबोर्ड होता है दोस्तों, कार्ड होता है, तो उससे भी आप लोग इसको निकल सकते हो, तो उसमें ज़्यादा नहीं मिलता है, ज़्यादातर छोटा मिलता है, बड़ा वाला कम ही मिलता है, 2-4 ही मिलता है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको ये वाला जो कैपेसिटर है इसका जुगाड़ करना है किसी पुराना बोर्ड से। तो देखिए मैंने तीनों कैपेसिटर को अभी इसमें आयरन के मदद से इसको लगा दिया हूँ। अभी इसको सोल्ड करने के बाद बोर्ड को फिर से हम टेस्ट करेंगे, तो हो सकते हीट के कारण कोई कैपेसिटर ख़राब हो सकता है दोस्तों, ये भी जान लो, छोटा वाला जो कैपेसिटर है ये हीट के कारण भी ख़राब हो सकता है, जल सकता है, काला पड़ जाएगा। तो इसी कारण मैं कैपेसिटर को लगाने के बाद फिर से इसको टेस्ट करूँगा बोर्ड में कि ये सही है, उसके बाद ही मैं जो रेगुलेटर आईसी है उसको बैठाऊँगा, क्योंकि पहले अगर बैठा दिया तो फिर से शॉर्ट दिखाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कौन सा चीज़ शॉर्ट है, फिर इसको उठाना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट के कारण वो ख़राब हो सकता है। देखिए मैंने तीनों कैपेसिटर को सोल्ड कर दिया हूँ,
अभी इसको जो है साफ सफाई की भी ज़रूरत है दोस्तों। इसको थोड़ा हम थिनर से साफ कर लेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। लेकिन उससे पहले मैं नाप के दिखाता हूँ, देखिए अभी शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। तो अभी हम इसको लगा सकते रेगुलेटर आईसी को, उसको उसके बाद हम इसको साफ कर देंगे बोर्ड को। देखिए इसको अभी जो है ब्लोअर से नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि हीट के कारण लगाने के बाद हो सकता है आईसी भी शॉर्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसी कारण जो चीज़ आयरन के मदद से होता है उसमें ब्लोअर आप काम में मत लाओ। तो देखिए दो लेग मैंने सोल्ड कर दिया, सोल्ड हो गया। अभी आयरन की मदद से इसका जो ग्राउंड का पिन है उसको भी हम सोल्ड कर देंगे थोड़ा पेस्ट लगा के। देखिए इसका पीछे जो है इसको लगा देंगे। ये जो है बोर्ड को देखिए दोनों काम होता है, ये आईसी ऐसे लगा हुआ है इसी कारण है इसका जो ग्राउंड का ऑप्शन बहुत बड़ा दिया है एरिया में, क्योंकि आईसी हीट होता है और उसी बोर्ड में इसका हीट जो है फैल जाता है और उसी कारण आईसी जो है ठंडा होता है दोस्तों। तो एक चीज़ का दो फायदा है, इसका बोर्ड का ग्राउंड का ऑप्शन इसीलिए इतना बड़ा किया है, मतलब जो आईसी को ठंडा कर सके दोस्तों, नहीं तो आईसी फूक जाएगा। और दोस्तों इधर जो है और एक देखिए स्पीकर का वायर है, ये भी थोड़ा हमको ड्राई शोल्डर दिख रहा है, रस्ट पड़ गया है, तो इसको भी हम थोड़ा सोल्ड कर देंगे। तो देखिए इसको थोड़ा पेस्ट लगा के हम सोल्ड कर देते, तो सोल्ड हो गया। अभी हम इसको मीटर से और एक बार चेक करेंगे दोस्तों इसका शॉर्ट। तो देखिए इसका इनपुट में शॉर्ट नहीं दिखा रहा है दोस्तों, वो जो दिखा रहा था वो आईसी का जो ओम से वही दिखा रहा था। तो देखिए ये आईसी का ओम्स दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करेंगे 12 वोल्ट सप्लाई देके। तो 12 वोल्ट सप्लाई हम दे देता हूँ इसमें दोस्तों। ये जो एम्पलीफायर है इसमें देखिए तीनों जैक लगा हुआ है, एक जैक में रेड और ब्लैक का वायर है, वही 12 वोल्ट का सप्लाई है दोस्तों। तो देखिए ऑन हो गया, FM का चैनल आ गया दोस्तों। तो देखा इसको कैसे हमने रिपेयर किया, अभी इसका स्पीकर को भी बजा के दिखाऊंगा दोस्तों। हो सकता है शॉर्ट हो गया था स्पीकर का जो आईसी है वो ख़राब हो गया, उसको भी चेंज करना पड़ेगा ख़राब होने से। तो हम दोनों स्पीकर ही बजा के दिखाएंगे, उसके बाद इसको हम सेट करके भी हम दिखाएंगे कैसे दिखता है। देखिए दोस्तों बज रहा है एक साइड का स्पीकर, अभी दूसरा साइड का जो है दोनों साइड का जैक जो है दोस्तों स्पीकर का है और रेड और ब्लैक वाला वोल्टेज का है दोस्तों। तो देखिए दोनों साइड का स्पीकर बज रहा है। तो अभी इसको हम बोर्ड को बैठा देता हूँ। देखिए दोस्तों जो जहाँ पे आईसी था हीट सिंक दिखा आप लोगों को, बहुत एरिया लेके उसका ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे आईसी बैठा है, क्योंकि आईसी हीट होगा और उसको ठंड करने के लिए हीट सिंक तो नहीं दिया है, तो हीट सिंक का काम वही कर रहा है, बोर्ड का जो ग्राउंड है वही ऑप्शन हीट सिंक का काम कर रहा है। तो ये टोटो में लगा रहता है दोस्तों, ये टोटो स्टीरियो है दोस्तों, एम्पलीफायर म्यूजिक सिस्टम। तो देखिए इसका ये वाला क्लिप लगा के इसको हम स्कूप लगा देंगे, बस ये ख़त्म हो जाएगा काम, बन गया टोटो स्टीरियो एम्पलीफायर जो कि डेड कंडीशन में था। तो दोस्तों
ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।